चैनल टैरो एंड यू, दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूं कि आप दोनों के अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में आप उनके बारे में क्या सोचने वाले हो, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, दोनों के माइंड रीड करने वाली हूं। क्योंकि आपके माइंड में तो वो पर्सन ही चल रहे हैं, तभी तो आप मेरी इस वीडियो पे हैं। तो अब ये भी चेक करते हैं कि क्या आप भी उनके माइंड में हैं या नहीं, और हैं तो क्या क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। आज हम यही रीडिंग करने वाली हैं। जिनको भी ये रीडिंग पसंद है तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बहुत से लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो देखिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए। नोटिफिकेशन ऑल करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, देखो मुझे भी नहीं पता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, मैं भी सर्च करूँगी तो आपको मैं बता दूँगी। अगर आपको भी पता हो तो मुझे ज़रूर गाइड करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन ना मिले। और एंजल हीलिंग वर्कशॉप आ रही है गाइज, आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर जो भी आप डेली देखते हैं, देखिए ये जो भी रीडिंग्स करती हूँ मैं अपने एंजल्स की हेल्प से करती हूँ। आप लोगों के लिए डेली एंजल के मैसेज आपको देती हूँ। हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो कि मैम हमेशा हम एंजल्स को क्यों बुलाती हैं, गाइड को क्यों बुलाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना कौन है स्पिरिट गाइड आपके, कौन है आपके एंजल, तो मेरी एंजल हीलिंग वर्कशॉप आ रही है, इसको मिस मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम के बाद ही मैं ला पाती हूँ, उसके बाद मुझे रेकी की वर्कशॉप्स भी लेके आनी है। अब अगर आप हीलर बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरी वर्कशॉप ज़रूर कीजिए। पॉजिटिविटी मिलती है आपको, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको डिप्रेशन भी है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपकी सेल्फ हीलिंग भी होगी और आपका भी मन लगेगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या क्या सीखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लीजिएगा, ओपन करके सारी डिटेल लिखी है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। बट कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। देखते हैं अब आप दोनों के लिए क्या रीडिंग आती है। आपको पता है ना हमेशा की तरह मैं क्या बोलती हूँ, अपने पर्सन का नाम याद करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, उनका फेस याद कीजिए और भगवान को याद कीजिए, ताकि आपको वो अच्छे अच्छे मैसेज दे पाए, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसी बहाने हो जाता है कि दिन में एक बार आप भगवान के साथ जरूर जुड़ते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। पेज ऑफ कप्स, भले ही घंटों बैठ के मंदिर में हम माथा नहीं टेक सकते, कहीं जा नहीं सकते, दिल से सच्चे दिल से भी भगवान को याद कर लें दिन में एक बार, बहुत बड़ी बात है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पहले मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए भी निकालूंगी, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में तो देखिए मैसेज करने का चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में, वेरी गुड, काफी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, दिमाग कम चल रहा है आज, उनका दिल ज्यादा हावी है दिमाग के ऊपर। कभी कभी तो आपके पर्सन का दिमाग हावी हो जाता है उनके दिल के ऊपर, तो अब की एनर्जी तो बिल्कुल वैसी ही है कि काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पर्सन। स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर यहाँ पे एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पर्सन, दबा के बैठे हैं दिल के अंदर बहुत कुछ, और छुपाए ना छुपे ऐसे इमोशंस हैं, उबल उबल के बाहर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, माइंड की जो एनर्जी है ना, उनको मन कर रहा है आपसे बात करने का, एक न्यू बिगनिंग करने का, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने का मन आपके पर्सन का यहाँ पर हो रहा है। अगले 24 घंटे यही रहना है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो अपने दिल की बात को, वो आपको आके ज़रूर बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और एरिस जेमिनाई
लिब्रा अक्वेरियस, ये भी मुझे यहाँ पे साइन नजर आए हैं। नंबर 9 की एनर्जी है नंबर 1। दो कार्ड्स और आ गए हैं, हम ये लेंगे जरूर। द सन कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस, हैंग्ड मैन है, स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर। स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर की तो है बहुत एनर्जी है आज। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं अगले 24 घंटे, रह नहीं पाएंगे बात किए बिना, रह नहीं पाएंगे 24 घंटे। आप उनके दिमाग में चलने वाले हो, मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा, किसी काम में उनका मन नहीं लगेगा। उनको आके आपसे बात करनी पड़ेगी, तभी जाके उनको चैन मिलने वाला है। आपकी भी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं, आपके माइंड में क्या रहता है, आप भी अगले 24 घंटे क्या सोचने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, पता चल जाता है ना, इतने लोग वीडियो देखते हैं, रेजोनेट हो ना हो। तो अगर रेजोनेट हो, देखिए बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं फ्री रीडिंग कर दूं, देखिए मैं उतना तो फ्री नहीं कर सकती हूँ, पेड सर्विस होती है जो भी पर्सनल रीडिंग होती है, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग करती हूँ ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट यहाँ से अपने लिए मैसेज ज़रूर निकाल सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है एनर्जीज ऐसे भी हेल्प करती हैं। बदले में आपको बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है। एनर्जी एक्सचेंज तो यहाँ पे भी लगता है, वो आपके ऊपर है कि आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या नहीं। देख के चले जाते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते, वो आपके ऊपर है। अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, देखिए आपका तो बहुत अच्छी एनर्जी है। लोग कहते हैं मेरी वीडियो नेगेटिव निकलती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं सच बोलती हूँ, और आप अपने लाइफ में करियर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब अपना सेल्फ फोकस्ड हो गया है, करियर के ऊपर फोकस्ड हो गया है। अब वो डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है, फिर तो वो मैं उसमें गाइड भी कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह की एनर्जी में अपने व्यूअर्स को देखती हूँ कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बैठे नहीं हैं, सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं। कहाँ से हुई मेरी रीडिंग नेगेटिव, सबकी लाइफ में इतना चेंज आ रहा है, नहीं तो अभी भी बैठे होते, कोई ऐसी वीडियो देखने कब आएगा कर रहे होते। मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी सिंसियर हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यही तो मेरी अचीवमेंट है, यही मेरी सच्ची अचीवमेंट है कि आप डिप्रेशन में जाने की बजाय, उस पर्सन का 24 घंटे इंतज़ार करने की बजाय, आप रीडिंग देख रहे हो हालचाल जानने के लिए। बट ऐसा बिल्कुल भी, मैं आपकी एनर्जी जब देखती हूँ ना कि आप एकदम न्यूट्रल होके रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। फिर आपकी एनर्जी बहुत अच्छे रहने वाली है। आप तो पूरा रोक रहे हो अपने आप को कि आप कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपका तो मन है कि मुझे मूव ऑन करना है, आपके पर्सन का मन है कि आपके पास आना है, आपका मन हो रहा है कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे जाना ही नहीं है वापस, आप ऐसा सोचने वाले हो अगले 24 घंटे। एस ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गुस्सा वो होता है। चलिए ठीक है, देखिए इंतजार तो आपको रहेगा कि वही मैसेज करे। आप तो जाके उनको कोई कॉल मैसेज नहीं करने वाले हैं, आप जाके उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब आपने मन बना लिया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप रोना धोना नहीं मचा सकते हैं, आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं अगले 24 घंटे कि बहुत हो चुका है,
अगर उनको अब एफर्ट लेने होंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखा चुके हैं अपने इस रिलेशनशिप में, अब जो करना है उनको करना होगा और वो करने भी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो रह नहीं पाएंगे, उनको भी लगता है, वो भी ऐसी एनर्जी में थे, उनको भी लगता था मैं मूव ऑन हो जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्यार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गुस्से में ईगो में इंसान ऐसा सोचता है, तो आपके पर्सन का भी वही है, लेकिन अब उनका ईगो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ईगो नहीं दिख रहा है, उनका ईगो हट गया है, इस वजह से उनके इमोशंस हावी हो रहे हैं, अब उनको लगता है कि नहीं ये तो रिश्ता मुझे चाहिए कैसे भी हो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता या जी सकती, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और क्योंकि मेरी रीडिंग देखो जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, तो उतना ओपन माइंड रहना चाहिए, आप समझ आया करें मेरे शब्दों को। और ये पर्सन जो है ना, उनको भी लगता है कि अब आपको मनाने में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे, बट अभी ना छोटी मोटी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि वो आपको आके बोलें कि उनके उनसे जिया ही नहीं जा रहा है आपके बिना, तो ये चीज़ें ना वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं, बट आपको क्या है कि आपको तो ये फील भी होता है कि हाँ इनको भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप तो मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड ऐसे निकले हैं, दोनों ही कार्ड मेजर आर्काना के हैं, इस वजह से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि बहुत हो चुका है अब, इस वजह से क्योंकि आप ना गुस्सा भी बहुत हो इस वक्त, और आप अभी उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ना पूरा एफर्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है, करियर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है 24 घंटे, मैंने दोनों की इसलिए बताई है ताकि आपको भी पता चले कि आप इस एनर्जी में हैं या नहीं है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है, ठीक है, मैं क्योंकि उसके बाद गाइडेंस भी हमेशा देती हूँ, गाइडेंस के लिए आप वेट किया करें, अगर रेजोनेट होती है, नहीं होती तो आप मेरी कोई और वीडियो देख लिया करो जो रेजोनेट हो। और आप ना इस वक्त कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी ड्रीम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, अचीवमेंट को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हो, और वो इच्छाएं मुझे आपकी पूरी होते भी नज़र आ रही है, नियर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त आप किसी गोल को सेट कर चुके हो, गोल को सेट कर चुके हो, आपको पता चल गया कि आपको क्या चाहिए अपने करियर में, उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल के चांस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे अगले 24 घंटे आप कहीं जाओगे, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन, मेजर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं से भी ना उस तरह की एनर्जी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, और जब ऐसी एनर्जी होती है तो मेरी भी देखिए हाई वाइब्स हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होकर फिर मैं भी वैसे ही फील करती हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आपकी ये रीडिंग करके। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है, आपके पर्सन कुछ भी हो जाए लौट कर तो यहीं आएंगे, आपको भी ये पता है, और सच में होना भी यही है, तो रिश्तों को लेके ना कभी भी चेज ना किया करें, क्योंकि जो रिश्तों के लिए प्यार के लिए पीछे पीछे भागता है ना, उनको प्यार बहुत कम मिलता है, ये मैंने नोटिस किया है, जब आप प्यार को छोड़ देते हो फिर प्यार अपने आप आता है, जैसे कि अब आ रहा है गाइडेंस में 2 ऑफ का यूनियन बहुत जल्दी होगा आप दोनों का, 2 दिन 2 महीने, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है कि 2 महीने में तो मुलाकात होते हुए दिख रही है, बट अगर आप कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं वो कर लेंगे आपको मैसेज, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, चांस दीजिए, हो जाएगा, आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है गाइडेंस में तो देखिए 2 ऑफ कप आ गया, तो मैं कहूँ क्या कर सकते हो, बट आपका मन शांत नहीं रहता ना, आप ना मन ही मन आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, लेट गो नहीं करते हो, क्योंकि आपके पर्सन की हरकतें भी वैसी हैं, इस वजह से भी हो रहा है कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, उनकी गलत हरकतों को भूल नहीं पा रहे हो, इस वजह से मुझे ये कार्ड्स नजर आए हैं, ठीक है, ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना ये मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपको इस वजह से ही गुस्सा है, कि आपके पर्सन सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, इमोशनल कनेक्टेड नहीं है, आपको ये भी बहुत गुस्सा आता है सोच सोच के,
और मन को शांत रखो, ठीक है? अभी आप अपने करियर में खुशी खुशी आगे बढ़ो और इस पर्सन की भी ज़्यादा चिंता मत करो, वो भी आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी याद कर रहे हैं, अगले 24 घंटे वो भी आपको मिस करेंगे और वो बहुत जल्दी ही अगले 24 घंटे में आपको कॉन्टैक्ट करते हुए दिख भी रहे हैं। बस आपको मन शांत रखना है, ठीक है? और लड़ना नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट होने की संभावना दिख रही है कि कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लड़ने ना लगे क्योंकि आप अभी भी गुस्से में हैं, पुरानी बातों को लेके कर सकते हैं आप, नाराज़गी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। यस, मैंने सारे मैसेज दे दिए हैं, कोई मैसेज छूटा नहीं, मैं वही देख रही थी कार्ड्स में। नंबर यहाँ पे हमारे पास है 12 19 7 2 0 5, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए न्यू बिगनिंग तो बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक मेजर टर्न आने वाला है, बहुत बड़ा मेजर टर्न आएगा, पॉजिटिव चेंज ही आएगा। बट हाँ, आप करियर के लिए जो भी कर रहे हो ना, बहुत सही है, इस वक्त ज़्यादा ध्यान अपने करियर पे रखना है, प्यार तो अपने आप आ ही जाएगा जब आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है? तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए यही है। और गाइज, आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।